सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय में अलग अलग स्थानों से आए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात की और सभी ने मोहनलाल से वादा किया कि 25 मई को वोट देकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, मोदी सरकार चुनेंगे, जिसके बाद बड़ौली ने सभी का दिल से आभार प्रकट किया। इसके साथ ही जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के कार्यों का बखान भी किया। विकास के काम करने, गरीब के सम्मान करने का, गरीब का हर गरीब के घर तक पहुंचाने का अनेक योजनाएं इस प्रकार से चलाई और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासन में आपने पूरे देश में जो विकास के काम हुए वो दिखाई देते हैं। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत ये आप सबके सामने है। तो 10 वर्षों का शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके काम को देखते हुए किस प्रकार से उन्होंने नई नई पॉलिसी बढ़ा के जन कल्याण की अनेक योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीब के लिए, ताकि इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार दूर हो सके। एक नए भारत का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो नए भारत का निर्माण किया वो दिखता है, सबके समझ में भी आता है कि जिस प्रकार का सरकार का काम करने का तरीका पारदर्शी है। बता दें कि खरखौदा के गांव लहराड़ा और बैयापुर में स्वागत कार्यक्रम के दौरान लोगों में मोदी सरकार बनाने को लेकर उत्साह नजर आया। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। इसके बाद बड़ौली गांव हरसाना महादेव शिवाला मंदिर पहुंचने पर गौशाला सेवादारों ने भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट की। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।